बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डॉक्टर अमजद साहब, आपको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ये बड़ा ज़बरदस्त आपने ये एक फ्यूचरिस्टिक आगे का सोच के आपने कदम उठाया। ये जो मोटरसाइकिलों को इलेक्ट्रिक बनाने का फैसला किया, और मैं अपनी टीम को, हमाद अज़र आपको और आपको भी खुसरो बख्तियार, क्योंकि आपने वो आगे डेवलप की जो हमारी ईवी पॉलिसी थी, और उसके तहत फिर एक पूरा एक आगे फ्यूचर का प्लान दे दिया आपने सबको कि आगे डायरेक्शन क्या है गवर्नमेंट का। देखें, जो आज तक मुल्क आगे गए हैं उनमें सबसे बड़ी जो एक कॉमन चीज रही है सारे मुल्कों ने, जो उन्होंने सब ने किया, वो ये कि उन्होंने हमेशा आगे का सोचा। चाइना की जो अब सारी डेवलपमेंट देख लें अब, और हम जब वहां गए चाइना में, तो उनके 10 साल 20 साल 30 साल के प्लान बने हुए हैं। तो जब तक जो आपकी पॉलिसीज एक लॉन्ग टर्म नहीं होती, वो फिर रोड मैप नहीं होता मुल्क के पास, फिर मुल्क फैसले करता है इलेक्शन टू इलेक्शन, या ऐसे फैसले करता है कोई जो माफियाज बैठे होते हैं वो आपकी पॉलिसीज चेंज कर देते हैं, उनको वो अपने फायदा उठाने के लिए फैसले करते हैं। तो जो मुल्क का आगे जो रोड मैप होता है वो डेवलप ही नहीं होता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि इस दुनिया के लिए इस तरह जियो कि आपने कल मर जाना है, सॉरी अगली दुनिया के लिए ऐसे जियो कि कल मर जाना है ताकि आपके माल अच्छे हों, लेकिन इस दुनिया के लिए ऐसे जियो आपने हजार साल जिंदा रहना। यानी आज बैठ के प्लानिंग करो कि आगे आने वाली जनरेशंस के लिए आप किस तरह का मुल्क छोड़ के जाएंगे, मुल्क को क्या मसले आ रहे हैं, ये कैसे हल होंगे। तो ये जो हमारी क्लीन और ग्रीन पाकिस्तान और उसके अंदर ही फिट इन होती है आपकी ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की पॉलिसी, ये उसी का हिस्सा है। जब आप ये फैसला करेंगे कि हमने अपने मुल्क की हवा भी साफ रखनी है, हम अपने अपने पानी और दरिया साफ रखने हैं, हमने अपने शहरों को साफ रखना है, तो उसके लिए क्या आपको कदम उठाने पड़ेंगे? जिस तरह हमने अब 10 बिलियन ट्री सुनामी दरख्त उगाने पड़ेंगे मुल्कों में, पाकिस्तान बदकिस्मती से वो मुल्क है जिसमें सबसे कम ट्री कवर है, दरख्तों का जो हमारे इस मुल्क में जंगलात हैं वो सबसे कम है, हिंदुस्तान के हमारे से ज़्यादा है, और जो अंग्रेज़ जंगलात छोड़ के गया था वो भी हमने कम कर दिए, उनको भी तबाह कर दिया। तो एक तो हम ये दरख्त उगा रहे हैं, फिर नेशनल पार्क्स अपने इलाके बचा रहे हैं क्योंकि आबादी तेज़ी से बढ़ रही है, तो जो हरे इलाके हैं वो बचा रहे हैं। शहरों के अंदर अब मास्टर प्लान्स बना रहे हैं शहरों के, ताकि शहरों का हम रोक सकें शहरों को फैलते हुए। ये तकरीबन इस्लामाबाद हमारे देखते देखते मरी तक पहुंच गया है। इस इस्लामाबाद ने पिछले 20 सालों में 1.5 गुना ज़्यादा बढ़ चुका है, ग्रीन कवर कम हो गया क्योंकि कोई प्लानिंग नहीं है। तो अब से हमने सारे शहरों के मास्टर प्लान्स बना रहे हैं, कईयों के कंप्लीट होने वाले हैं 6 महीने तक, ताकि हम शहरों को फिर प्लान कर सकें कि इनका पानी का सप्लाई किधर होगा, गंदगी से हमने क्या करना है, कैसे हमने ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने हैं। मसलन इस्लामाबाद के चश्मे थे, सारा सीवरेज बन चुका है वहाँ, उन नाले बन चुके हैं क्योंकि इनके ऊपर किसी ने सोचा नहीं ट्रीटमेंट प्लांट्स पर लगाने का। रिसाइकलिंग, पानी को कैसे बचाना है, पानी के आगे प्रॉब्लम्स हैं। और फिर सबसे बड़ी चीज़ पोल्यूशन, जो हमारे देखते देखते लाहौर जो सिटी ऑफ गार्डन समझा जाता था और पेशावर, ये दोनों सिटी ऑफ गार्डन्स कहा जाते थे, तो ये दोनों शहरों में जो पोल्यूशन लेवल्स हैं खासतौर पर लाहौर में, वो अब इंसान की जानों को खतरा हो गया। ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि जो लाहौर में जो इस वक्त पोल्यूशन है, 11 साल औसत एक इंसान की जिंदगी में कम हो जाएंगे जो लाहौर में इस पोल्यूशन में रहेगा। तो ये इसके इंपैक्ट्स हैं, डेंजर लेवल से ऊपर पोल्यूशन चली गई है। कराची में भी ये हालात हैं, समुंदर के अंदर सारा सीवरेज जा रहा है,
तो ये इसके ऊपर क्योंकि कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है, तो वो प्लानिंग अब पहली दफा हम पाकिस्तान में कर रहे हैं और उसका हिस्सा है। फिर से मैं कहूं कि ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, ये अब आगे हमें अपने शहरों को पोल्यूशन से बचाने के लिए हमें अब शहरों के अंदर इलेक्ट्रिक बसेस लानी पड़ेंगी, गाड़ियां लानी पड़ेंगी, मोटरसाइकिल, सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल्स क्योंकि इसमें ज्यादा इस्तेमाल होता है, ज्यादा इनकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है। तो ये बड़ा अच्छा पॉजिटिव स्टेप है। अब इसका एक दूसरा पहलू है, हमने जो और अपने ऊपर जुल्म किया कि जो अल्लाह ने इस मुल्क को इतनी नेमतें बख्शी, हमने कभी सोचा ही नहीं कि ये जो अल्लाह ने नेमतें बख्शी थी इनसे फायदा उठाया जाए, क्योंकि आसान रास्ते ले लिए, शॉर्टकट्स लिए, इंपोर्ट चीजें कर ली, आसान था ना, इंपोर्ट कर ली, उस पर पैसे भी बन जाते थे। लेकिन जो उसका नुकसान क्या हुआ कि जो अभी खुसरो ने बात की, क्या जो रॉ मटेरियल पाकिस्तान में है उसको हमने कभी नहीं सोचा कि हम इस रॉ मटेरियल को इसको इस्तेमाल करें, तो सब सारी चीजें इंपोर्ट करने शुरू कर दी। आसान रास्ता है, लेकिन इसका नुकसान यह है कि मुल्क गरीब होता जाता है, वेल्थ क्रिएशन होती नहीं है। जब आप इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, जो इन्होंने अभी बात की बैलेंस ऑफ पेमेंट, खुसरो ये लोगों को समझा भी दें बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या, आम लोगों को नहीं समझ आती इसकी, मतलब ये कि डॉलर ज्यादा जब मुल्क में आना शुरू हो बनस्बत के मुल्क से बाहर जो डॉलर जा रहे हों, अगर ज्यादा मुल्क में डॉलर आएंगे आपका मुल्क अमीर हो जाएगा, अगर आपके मुल्क में से ज्यादा डॉलर बाहर जा रहे हों और कम मुल्क में आ रहे हैं वो गरीब हो जाएगा। तो चाइना की जो सारी डेवलपमेंट थी वो एक्सपोर्ट लेड थी, उन्होंने एक्सपोर्ट्स बढ़ाई तो डॉलर्स उनके मुल्क में ज्यादा आए, उन्होंने दुनिया को ज्यादा माल बेचा, मुल्क में ज्यादा डॉलर्स आए और इसलिए देखते देखते चाइना अब एक इकोनॉमिक जायंट बन गया। तो हमारे तो कभी किसी ने इसके ऊपर तवज्जो ही नहीं दी, एक छोटा सा सिंगापुर है हमारे, देखते देखते पाकिस्तान की आज तारीख में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स हुई हैं इस साल, तो हम 26 अरब डॉलर हमारी एक्सपोर्ट्स है, सिंगापुर की कोई 300 अरब डॉलर एक्सपोर्ट्स है, उनकी 50 लाख आबादी है, क्योंकि उन्होंने सोच समझ के प्लानिंग की कि अगर हमने अपनी दौलत में इजाफा करना है तो हमें ज्यादा चीजें बाहर बेचनी पड़ेंगी बनस्बत के बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। तो हमारा ये बस अब जो अगला अब हमारा ये जो तरक्की का रास्ता है उसमें अब हमने जो आपकी मोटरसाइकिल के अंदर जितने भी कोशिश करनी है कि सारे पार्ट्स रॉ मटेरियल्स पाकिस्तान में हो, हमारे पास सब कुछ है यहाँ, हमने पूरी तरह अब हम पूरी पाकिस्तान की का मिनरल मैप बना रहे हैं, मदनियात का नक्शा सारे पाकिस्तान में कि किधर किधर क्या चीजें हैं। और आपको हैरत होगी, जब आपको ये पूरी तरह पता चलेगा तो आपको अंदाजा होगा कि आपका कितना अमीर मुल्क है, इसमें किसी चीज की कमी नहीं है, हमें इंपोर्ट्स की जरूरत नहीं है कि हर चीज इंपोर्ट कर लेते हैं, शॉर्टकट है ना, हर चीज इंपोर्ट कर लो। तो ये नहीं सोचते कि वो थोड़े से लोगों को तो फायदा होता है जो इंपोर्टर्स हैं, लेकिन मुल्क के लिए तो वो नुकसान है क्योंकि आपके डॉलर ज्यादा बाहर जा रहे हैं। जब ज्यादा ये भी मैं समझा दूं, जब आपके ज्यादा डॉलर्स बाहर जाते हैं और कम अंदर आते हैं मुल्क के, तो रुपए के ऊपर जोर पड़ता है, जब डॉलर कम होता है तो रुपए की कीमत गिर जाती है, डॉलर ऊपर चला जाता है, डिवेल्युएशन जिसको कहते हैं। तो जब आपका रुपए की कीमत गिरती है सब कुछ महंगा हो जाता है, गुर्बत बढ़ जाती है, मुल्क गरीब हो जाता है। तो हमें इसलिए सारा अपना जो सोच है वो बदलनी है, एक नया रोड मैप पाकिस्तान को देना है जिसने आगे का सोचना है, जिसने सबसे पहले अपनी आने वाली नस्लों का सोचना है। ये जो माहौलियात है, हमारी एनवायरमेंट है, ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, ये जो पाकिस्तान को मुतासर करती है, पहली दफा इस पैमाने पे पाकिस्तान जो स्टेप्स ले रहा है वो इंटरनेशनली एक्नॉलेज हैं। मुझे इसका बड़ा फख्र है कि दुनिया मानती है कि पाकिस्तान लीड उन चंद मुल्कों में से जो लीड कर रहा है एनवायरमेंट के अंदर, ग्लोबल वार्मिंग के जो खिलाफ कैंपेन है उसके। अब दूसरी जो हमारी कैंपेन है वो ये कि हम अब अभी से अपनी दौलत का वेल्थ क्रिएशन कैसे करें, दौलत में इजाफा कैसे करें, वो कौन कौन से हमने अब कदम उठाने हैं कि अब हमारी इकोनॉमी माशाल्लाह तेजी से ऊपर जा रही है। आगे हमें क्या मसला आएगा, हमें मसला तब आएगा कि अगर हमारे मुल्क में डॉलर्स की कमी होनी शुरू हो गई क्योंकि ज्यादा डॉलर्स बाहर जाने शुरू हो गए, करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया, तो ये हमारे रोकेगा हमारी ग्रोथ को, फिर हमें IMF के पास जाना पड़ेगा। लिहाजा अभी से हम वो
सब कदम उठा रहे हैं कि हमारे मुल्क में डॉलर्स की कमी ना हो, ताकि मुल्क में हमारी ग्रोथ रेट इफेक्ट ना हो। और उसके लिए हर वो चीज़ करनी है हमने, जो चीज़ हम पाकिस्तान में बना सकते हैं वो करें, जो रॉ मटेरियल पाकिस्तान में जो अवेलेबल है उसको इस्तेमाल करें, और सारी इन्वेस्टमेंट इस तरह करें कि पाकिस्तान से हम चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकें। इंडस्ट्री भी, इन्वेस्टमेंट भी जो बाहर से पाकिस्तान में आए, उसका मकसद ये हो कि पाकिस्तान से बाहर कितनी चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकती है वो। और ये हमारा दूसरा है, और इंशाल्लाह मुझे जो तीसरी चीज़ बड़ा इस मुल्क के लोगों के ऊपर पूरा इत्माद है कि जब भी इस मुल्क के लोगों को टेस्ट किया गया है, जब भी हमने मुश्किल वक्त आया, जलजला आया, हमारा फ्लड्स जब आए 2010 के, तो जब भी लोगों को इस मुल्क के टेस्ट किया गया तो लोग हमेशा, हमारे लोग उनमें वो खुले दिल के लोग हैं, जनरोसिटी है। अगर आज टैक्स नहीं दे रहे तो उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि उनको ये इतमाद ही नहीं है कि हमारा टैक्स सही तरह इस्तेमाल होगा। उनको अब इतमाद बहाल कर रहे हैं, उनका टैक्स उनके लिए, अपने खर्चे कम कर रहे हैं, फजूल खर्ची कम कर रहे हैं। ये जो प्रोटोकॉल के ऊपर हम पैसे खर्च करते हैं, अपने से शुरू कर रहे हैं ना, अपनी मिसाल से, वो प्रोटोकॉल के पैसे हम पूरा बचा रहे हैं, अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस और प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट, सिर्फ 3 साल में 108 करोड़ रुपया हमने इन दो हाउसेज का कम किया है। और जो बाहर की ट्रैवल है उससे पैसा बचा रहे हैं, सिर्फ अपने टैक्स पेयर को ये बताने के लिए कि आपके टैक्स की हम कदर करते हैं, हम आपका टैक्स आपके ऊपर खर्च करेंगे बनिस्बत अपने ऊपर खर्च करने के लिए। तो जैसे जैसे उनका ये इत्माद बहाल होता जाएगा, इंशाल्लाह हमारी टैक्स कलेक्शन बढ़ती जाएगी, मुल्क की दौलत में इजाफा होता जाएगा, मुल्क अपने पैर पर खड़ा हो जाएगा। ये जो हमारे जेहन में ये गुलामी आई हुई है कि जब तक एड नहीं आती, बाहर से इमदाद नहीं आती या कर्जे नहीं आते, मुल्क नहीं चलेगा। मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बाहर जाता है तो पहली चीज पूछते हैं, जी कितने पैसे लेके आए, कितनी जी इमदाद मिली, कामयाब दौरा। अच्छा, कामयाब दौरा क्या हो गया कि पैसे लेके आ गए, भीख मांग के किसी से पैसे लेके आ गए। जब तक ये जेहनी गुलामी से नहीं हम निकलेंगे, जब तक इंसान अपने पैर पे नहीं खड़ा होता, उसको पता ही नहीं चलता कि उसके अंदर अल्लाह ने कितनी ताकत दी है। जब तक वो वसाकियों से चलता है, वो कभी उसके अंदर जोर नहीं आता। तो वो पाकिस्तान अब तीसरे रास्ते पे निकल गया अपने पैर पे खड़े होने के लिए, और इंशाल्लाह आप देखेंगे दिनों में कि ये एक महीनों में, सालों में, कि ये कितना बड़ा अजीम मुल्क बनेगा। डॉक्टर अमजद, आपको और आपकी टीम को मैं फिर से मुबारक देता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ, और इंशाल्लाह आपकी हुकूमत पूरी मदद करेगी कि और हम कैसे आपको मजबूत कर सकें। शुक्रिया।